मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करता हूँ कि जो आपने बोला ना कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है, सबसे पहले तो जो सर ने बोला कि ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये कन्फ्यूजन है, बिल्कुल सही बात है। अब कन्फ्यूजन क्या है, उसकी जड़ क्या है? आप क्या कर रहे हो, आप बस हम लोगों की बातें सुन रहे हो। यहाँ से मैंने कुछ बोला, इन्होंने कुछ बोला, दोनों अलग अलग स्टैंड पॉइंट है। मतलब इस दुनिया में आर्ट्स भी है, साइंस भी है, कॉमर्स भी है। अब आप कहोगे अब तीनों में कॉन्ट्रडिक्शन है, अरे कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्ट्रीम्स है, डिपेंड्स अपॉन कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपकी प्रायोरिटीज क्या है। तो आपको तीन चीजें देखनी पड़ेगी, एक अपना पास्ट, अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर। कि पास्ट में आपने कैसा परफॉर्म किया है, अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे रहे हो तो आपको क्लियर नजर आएगा कि अच्छा मुझे पढ़ाई से रिलेटेड कुछ करना है, तो वहां से रास्ता क्लियर हो जाता है। बट अगर आपके दिमाग में 24 घंटे बिजनेस आइडियाज घूमते रहते हैं, जहां भी जाते हो वहां पे गोलगप्पे खा रहे होते हो, आपके दिमाग में चल रहा होता है अबे इतने पैसे ले लिए, उसमें से इतने का गोलगप्पा, इतने का पानी है, पानी तो इतना फ्री होता है, मेरे से लिया 20 रुपए, ये तो 5 रुपए का काम है, 15 रुपए इसके पास में गए, कितने लोगों ने एक दिन में खा लिए, इतने पैसे कमा लिए, व्हाटएवर। अगर इस तरह का आपका माइंडसेट है तो वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, इन सब चीजों का बेनिफिट है। तो हर रास्ता हर एक के लिए नहीं होता, तो ये आपको कैसे समझ आएगा, अपने पास्ट को देखकर। दूसरा, अपने प्रेजेंट को देखो कि आपके पास में क्या रिसोर्सेस हैं। सोचने से क्या होता है, आपको ये भी तो देखना पड़ेगा आपके पास में क्या रिसोर्सेस हैं, उसके बेस पर आप सोच सकते हो ना। कल को आप कहो कि मैं एक ऐसी एक टेलीकॉम कंपनी लॉन्च करूंगी जो कि जियो को कंपटीशन देगी, ठीक है, सोच लो। कुछ नहीं होगा। क्या है पीछे बैकग्राउंड, क्या है आपके पास में, क्या रिसोर्सेज है, हाउ आर यू गोइंग टू कॉम्पीट। तो आप फालतू में कुछ भी सोच रहे हो ना, तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, कंफ्यूजन क्या है, कुछ भी नहीं। तो जब आपके रिसोर्सेज ही आपको अलाउ नहीं कर रहे वो करने के लिए, तो सोच क्यों रहे हो। तीसरा, फ्यूचर में आप अपने लिए कैसी लाइफ चाहते हो। जैसे सर ने कहा कि पावर नहीं मिलती है वहां पे, वहां पे सर्व करना होता है। इस गलतफहमी से बाहर आ जाओगे, वहां पे पावर मिल जाएगी। पावर तो पूरी की पूरी एक हायरार्की है, जिस हायरार्की में टॉप पर पब्लिक बैठी है एक्चुअल में, वो हमें पता ही नहीं। हमारे हाथ में पावर है, किसको वोट करना है, किसको पावर में लेकर के आना है, फिर उनकी पावर के अकॉर्डिंग आगे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पॉलिसीज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर उसको इंप्लीमेंट करना होता है। तो आपको देखना है कि आपको एग्जैक्टली लाइफ में चाहिए क्या है। कि अगर आपका माइंड है बहुत ज्यादा क्रिएटिव, कि आपको हमेशा दिमाग में आइडियाज घूमते रहते हैं कि कुछ अजीब करना है, कुछ अलग करना है, ये करना है, वो करना है, तो फिर वो रास्ता आपके लिए नहीं है, क्योंकि वहां पे आपके पास में पावर नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट वंस यू गो इन दी एंटरप्रेन्योरशिप स्पेस, वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वहां पे पावर है, पावर टू क्रिएट। अब आपको देखना है कि एट द एज ऑफ 42-48 आप किसके जैसा बनना चाहते हो। अगर एक टीचर बनना चाहते हो तो ये रास्ता है। उसके अलावा जिन्होंने यूपीएससी को क्रैक किया है उन लोगों का आप लाइफस्टाइल देख सकते हो, वैसे बनना चाहते हो बहुत बढ़िया, मेरे जैसा बनना चाहते हो बहुत बढ़िया, किसी और के जैसा बनना चाहते हो बहुत बढ़िया। बट किस बेस पर, अपनी पर्सनैलिटी को देखो ना, क्या लाइन हो रहा है।